हेलो फ्रेंड्स, बैक विथ न्यू पजल। इस बार पजल कहती है कि एक घड़ी है, एक घड़ी जिसमें रोमन ब्लॉक लेटर में नंबर लिखे हुए हैं। ये घड़ी टूट के नीचे गिरी और नीचे गिरने के बाद चार टुकड़ों में ऐसे टूटी कि हर पीस में जो है वो सम 20 आए। देखिए, इस क्वेश्चन को जब डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हर बार हम उलझेंगे। क्यों, ये मैं बताता हूं। सबसे पहले जो तरीका होना चाहिए सॉल्व करने का, मैं इन सारे नंबर्स का सम निकालूं। n इंटू एन प्लस वन बाय टू फॉर्मूला है सम का। यहां पर नंबर है 12, तो 12 इंटू 13 बाय टू, ये सम 78 आएगा। जिनको ये फॉर्मूला नहीं मालूम, कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट ऐड करके देख सकते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस प्लस, ऐसे करके आप 12 तक आएंगे तो आपको 78 मिल रहा है। बस यही सारा क्लू छुपा हुआ है। 78 यानी किसी 4 को मुझे 6 गिनना है या किसी 9 को मुझे 11 गिनना है। जैसे ही मैं 9 को 11 गिनूंगा तो 78 में प्लस 2 हो जाएगा और 80 से मैं इसको चार पार्ट में इजीली डिवाइड कर पाऊंगा। ये मुझे 9 दिख रहा है। अगर मैंने इसको ऐसे तोड़ा होता तो ये 10 हो जाता, ये 10 हो जाता और एक बच जाता आपके पास। पहला टुकड़ा आ गया आपके पास 20 का। अब ये 11 और 1 12 और 8 20, ये लीजिए जी दूसरा टुकड़ा, ये हो गया 12 और 7 12 और 7 19 और एक 1 20, ये तीसरा टुकड़ा। और फोर्थ पीस 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10 प्लस 5 15 प्लस 5 20। तो हर पीस में आप देख रहे हैं सम जो है आपको 20 मिल रहा है। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, आपको जब टोटल करके आपने देखा था, हिंट यहीं से मिलनी थी। टोटल जब 78 आया था उसको 80 बनाने के लिए 9 को ही 11 गिन सकते थे। होप ये एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।